Hello everyone, hope you all are absolutely fine. Welcome to Indian Life in Saudi Arabia. Today I'm going to review few jewelry set which I have ordered from Amazon. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है मैंने सऊदी अरब में रहकर अमेज़न से नहीं मंगवाया है. मेरे कुछ रिलेटिव्स जो है इंडिया गए हुए थे तो मैंने उन्हीं के थ्रू ये ऑर्डर करवाया, और जब वो वापस आ रहे थे सऊदी अरब तो मैंने जो है अपना पार्सल मंगवा लिया था. तो इसका जो है मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ. अगर आप सऊदी अरब में रहकर अमेज़न से कुछ मंगवाना चाहते हैं तो बेशक मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको जो है US से अमेज़ॉन से मंगवाना पड़ेगा और उसे जो है USA से सऊदी अरब में शिपिंग करना पड़ेगा. इससे जो है शिपिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बहुत ही बढ़ जाता है. तो इसलिए मैंने इंडिया में ही इसे मंगवाया है. तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं. रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पास में बेल का आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें. तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं. ये जो ज्वेलरी है इसमें है दो ज्वेलरी सेट और एक हैंड ब्रेसलेट. तो दो जो ज्वेलरी सेट है वो अपारा का है, अपारा फैशन ज्वेलरी से मैंने मंगवाया है. तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है. इसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था तो आपको बताना था, इसलिए मैंने इसे फिर से वापस से इसी में रख दिया था. तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें अमेज़न लिखा हुआ है. चलिए इसे ओपन करते हैं. ये बबल रैपिंग में आता है, तो सारे ही ज्वेलरी जो भी हम ऑनलाइन मंगवाते हैं वो बबल रैपिंग में आता है ताकि ज्वेलरी जो है इसके अंदर डैमेज ना हो. तो इसमें मुझे मिला ये एक ज्वेलरी, ये दूसरी ज्वेलरी सेट, ये दो ज्वेलरी सेट और एक हैंड ब्रेसलेट. तो चलिए वन बाय वन इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इस ज्वेलरी का रिव्यू करते हैं. तो इसमें मुझे मिला है एक नेक पीस और वन पेयर ऑफ इयररिंग्स और एक मांग टीका. इसकी जो पैकेजिंग है ये नॉर्मल सी है, मुझे इसकी पैकेजिंग कुछ सही नहीं लगी है, कुछ ख़ास नहीं है, मगर जो प्रोडक्ट निकल कर आया है वो तो बहुत ही ऑसम है. आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पीस है. चलिए इसके इयररिंग्स और मांग टीका भी निकाल लेते हैं. तो ये है इसका नेकलेस. आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन, ये जो है मेजरली गोल्ड प्लेटेड है और इसमें जो है स्टोन वर्क दिया हुआ है. ये येलोइश गोल्डन कलर में है, इसमें एक बड़ा सा स्टोन बीच में दिया हुआ है और काफ़ी सारे छोटे स्टोन्स हैं इसके चारों तरफ. इसमें एक लाइन ऐसे भी ये स्क्वायर शेप में दी हुई है, और नीचे जो है ये पर्ल के जो नीचे डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं. ये पर्ल डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका लुक जो इससे बढ़िया निकल कर आ रहा है. इसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है. ओवरऑल ये जो नेकलेस है बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो जो प्रोडक्ट मुझे इसके अंदर से मिला है इससे जो है इसको देखने के बाद मैं इसकी पैकेजिंग को इग्नोर कर सकती हूँ. इसके साथ ये चेन मिलता है, एडजस्टेबल है, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं. इसका ये जो नेक का जो साइज़ है ये बढ़िया फिट आता है, ये कुछ हिलता डुलता नहीं है और नेक में जो है बढ़िया अच्छे से फिट बैठ जाता है और देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है. चलिए अब बात करते हैं इसके इयररिंग्स की. इसका जो इयररिंग का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है. इसका ये जो है जो पर्ल का डिज़ाइन है ये इससे मैच करता है. अगर हम नेक पीस और मांग टीका न भी लगाएं तो भी ये जो इयररिंग है इसे हम किसी नॉर्मल सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं. ये है इसका मांग टीका, ये भी काफ़ी बड़ा है और ये भी सुंदर है, आप देख सकते हैं. तो ओवरऑल जो ये नेक सेट जो ये नेकलेस का सेट है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज ये जो है अच्छा ही है, तो मैं इसे एक थम्सअप देती हूँ. इसे आप परचेस कर सकते हैं,
इसकी डिज़ाइन भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी अफोर्डेबल है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नेकलेस। ये जो है दूसरा है, इसके साथ भी हमें सेम एक नेक पीस और एक मांग टीका और इयर रिंग मिलता है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इसमें इस ये जो है मोस्टली ये गोल्ड प्लेटेड है और इसमें देख सकते हैं आप स्टोन्स लगे हुए हैं। इसकी क्वालिटी भी सेम पहले वाले नेकलेस की तरह ही है, अच्छी क्वालिटी है। इसके साथ ये एडजस्टेबल चेन है। इसका जो नेक का साइज़ है ये थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ये थोड़ा सा निकल कर आता है, उठा हुआ रहता है। इसके साथ ये जो इयररिंग है और ये मांग टीका है, दोनों का डिज़ाइन सेम है। ये कोई स्मॉल फंक्शन में ये मांग टीका पहन सकते हैं या नहीं तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है इयररिंग और मांग टीका का, कुछ मुझे इतना खास पसंद नहीं आया है, मगर जो ये नेक पीस है ये ठीक ठाक है। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों नेकलेस को तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों ही अच्छी, दोनों की क्वालिटी सेम है, डिज़ाइन अलग है। मैंने एक्चुअली इसी को ही ऑर्डर करना चाहती थी मैं, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालती हूँ तो मुझे ये वाला नेकलेस भी मिल जाता है। ये कॉम्बो ऑफ़र था तो मैंने दोनों ही मंगवा लिया है कॉम्बो में। ये मुझे अराउंड कुछ 350 रुपीज़ में मिला है, तो प्राइस वाइज ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट। दोनों भी इतने कम प्राइस में अच्छा सा प्रोडक्ट ही मिल गया है। तो चलिए अब देखते हैं ब्रेसलेट को, इसे ओपन कर लेते हैं। ये है हैंड ब्रेसलेट, ये पर्ल और स्टोन का वर्क दिया है इसमें। ये कुछ इस तरीके का है डिज़ाइन, मैं इसे आपको पहन कर बताती हूँ। ये कुछ इस तरीके का लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज, एक भी स्टोन्स जो है इसके निकले हुए नहीं है, डैमेज नहीं है। तो ये भी मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट रिसीव हुआ है, जैसा कि इमेज में बताया था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। तो मैंने जितने भी ज्वेलरी और ये ब्रेसलेट मंगवाया है सारा ही मुझे बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन में, बिल्कुल विदाउट डैमेज और जैसा कि पिक्चर में शो किया था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। तो ये प्रोडक्ट जो है वर्थी है बाय करना, क्योंकि ये रेंज में आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये था कुछ अमेज़ॉन से मैंने जो प्रोडक्ट बाय किया था उसका रिव्यू। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ। ये कॉम्बो है और ये सिंगल मैंने अलग से मंगवाया था, तो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।